हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल पायनी एजुकेशन एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह असमान है, उबड़ खाबड़ है, यानी ये पृथ्वी की सतह अनेक संरचनाओं से मिलकर बनी हुई है। इन संरचनाओं के अंतर्गत आप पहाड़ को ले सकते हैं, पर्वत ले सकते हैं, मैदान ले सकते हैं, पठार ले सकते हैं और घाटियां। यही कारण है कि पृथ्वी की सतह आपको उबड़ खाबड़ दिखाई पड़ती है, दिखाई जान पड़ती है। तो इन संरचनाओं का निर्माण कैसे होता है, हम इस बार इस बिंदु पर प्रकाश डालेंगे। तो जो पृथ्वी की सतह का निर्माण होता है वो दो प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। पहला प्रक्रिया का नाम आंतरिक प्रक्रिया, दूसरा बाह्य प्रक्रिया। अब हम वर्तमान में पृथ्वी की सतह पर खड़े हैं। अब पृथ्वी की सतह के नीचे निरंतर गति हो रही है, जिसका हमें अनुभव नहीं हो पा रहा है, महसूस हमें ये नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये पृथ्वी की सतह है। अंतर्जात बल, इसके अंतर्गत अंतर्जात बल ये निरंतर कार्य करता रहता है। यही कारण है कि आप कहीं सतह है देखोगे कि पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ गई है, ऊपर उठ गई, या कहीं सतह है नीचे धस गई। इनसे अब नई संरचनाओं का निर्माण होता है, लेकिन इनकी जो गति होती है वो काफी धीमी होती है, यानी इन संरचनाओं के निर्माण में वर्षों का समय लग सकता है। जैसे हिमालय पर्वत है, उसकी ऊंचाई क्या है, धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो इसे महसूस नहीं कर पाते हैं। अब हजारों वर्ष के बाद में ये पता चलेगा कि इसकी ऊंचाई बढ़ गई है, उसे उस ऊंचाई को नोटेबल किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा हमारा जो प्रक्रिया है वो है बाह्य प्रक्रिया। अब इसे इसके अंतर्गत जो बल कार्य करता है बाह्य बल, इसके अंतर्गत कौन कौन से कारक है वो हम देख लेते हैं। बहता हुआ जल, वायु, बर्फ। जो पृथ्वी के ऊपर संरचनाएं हैं उन पर ये क्या करते हैं, उस पर ये कार्य करते हैं। और अपरदन, अपरदन के द्वारा उसका कटाव करेंगे, उसे असंगठित करके उसका विघटन कर देंगे अपरदन के द्वारा। अब उन्हीं असंगठित विघटित पदार्थों को कहीं ले जाकर वो निक्षेपित कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, निक्षेपण का कार्य करते हैं। अब इससे क्या हुआ, जैसे मैं दिखाता हूं आपको, ये हो गया पर्वत, यहां से इसे बहता हुआ जल, नदियां आती है, नदी गिर रही है, तो ये अपने साथ यहाँ कणों को तोड़ते हुए लेते हैं, चले आ रही है और लाकर यहाँ जमा कर देती है। तो यहां से हुआ अपरदन, अपरदन का कार्य हुआ, यह संरचनाएं विकृत हुई और यहाँ एक नई संरचना का निर्माण होता चला गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऊंचाई और ढाल के आधार पर, ऊंचाई और ढाल के आधार पर हम स्थल स्वरूप है उसका वर्गीकरण करते हैं। कौन कौन से वर्ग आते हैं उसके अंतर्गत, पर्वत, पठार और मैदान। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम यदि किसी भी संरचना का ऊंचाई हमें ज्ञात करना होता है तो हम सहारा लेते हैं समुद्र तल का। तो यहां पर भी इनकी जो ऊंचाई में भिन्नता है वो हम नापेंगे समुद्र तल के सहारे। तो सबसे पहला संरचना है पर्वत, उसका हम अध्ययन करते हैं, उसे हम ले लेते हैं पर्वत। यहां पर्वत का आधार है, ये आपको पर्वत का आधार दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, आधार काफी चौड़ा। दूसरी बात आपको दिखाई दे रही होगी, शिखर नुकीला है और साथ में छोटा है। नुकीला और छोटा,
इसकी ऊंचाई है, इन संरचनाओं मैंने बताया था पर्वत पठार मैदान में सबसे अधिक इसकी ऊंचाई होती है। यहां आपको बहुत अत्यधिक ऊंची होती है, तो आपको ये व्हाइट वाला दिखाई दे रहा होगा, व्हाइट शेडो, ये जमी हुई बर्फ या हिमानी है। ठीक, इससे ऊंचाई बढ़ती जाती है, जलवायु है, ऊंचाई बढ़ते के साथ साथ तापमान गिरता चला जाता है और यहाँ का जलवायु ठंडी होती चली जाती है, तो ये वजह है कि यहाँ बर्फ है, जम जाती है। कुछ पर्वत की ऊंचाई तो इतनी अत्यधिक अत्यधिक ऊंची होती है कि ये आपको बादलों से भी ऊंचे दिखाई देंगे। ठीक, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है उसके बारे में मैंने बताया था, एवरेस्ट पर्वत, उसकी ऊंचाई थी 8,848 मीटर, लेकिन ये क्या था, सतह के ऊपर था, पृथ्वी के सतह के ऊपर। लेकिन कुछ पर्वत ऐसे भी होते हैं जो समुद्र से नीचे होते हैं, आपको उसका बहुत ही छोटा भाग दिखाई पड़ेगा। एक वैसे ही पर्वत के मैं नाम बता देता हूं, मोनार्की पर्वत, या इसे हम कॉमनली हवाई द्वीप भी कहते हैं, शायद आपने इसका नाम सुना होगा। इस पर नियंत्रण है अमेरिका का, इसकी जो ऊंचाई है वो है 10,205 मीटर। सोचिए कि ये और एवरेस्ट पर्वत के बीच में आप तुलना कीजिए, आपको ये दिखाई देगा कि इसकी ऊंचाई काफी अत्यधिक है, लेकिन चूंकि ये समुद्र के जल के अंदर है और ये इसका बहुत ही छोटा सा भाग दिखाई देता है, यही कारण है कि हम इसे एवरेस्ट को सबसे ऊंचा पर्वत मानते हैं और इसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं। ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है, मैंने बताया यहाँ की जलवायु काफी ठंडी है, तो ऐसे में यहाँ पर लोगों के लिए जो जीवन है वो काफी क्या कठिन हो जाता है, प्रतिकूल हो जाता है उनके लिए। ऐसे में यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो काफी कम होगा, यहाँ काफी कम लोग रहते होंगे, कृषि हो नहीं पाएगी, कृषि कमी होगी यहाँ पर, तो यहाँ जीवन निर्भर करना काफी कठिन कार्य है। अब ये पर्वत यहाँ आपको एक सिंगल पर्वत के रूप में दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये पर्वत एक रेखा के क्रम में स्थापित होते हैं, इन्हें कहा जाता है श्रृंखला। जैसे हमारा हिमालय पर्वत है वो श्रृंखला के क्रम में है, इसकी शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर से, आगे बढ़ते 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 अरुणाचल प्रदेश तक चला जाता है, यानी ये हजारों किलोमीटर के क्रम में फैला हुआ है। अब ये एक दूसरे समानांतर होते हैं, जैसे हमारे शिवालिक, मध्य हिमालय, वृहत हिमालय, ये तीन अलग अलग ऊंचाई की श्रेणी है, श्रृंखला है। एंडीज पर्वत के बारे में मैंने बताया था आपको कि कहाँ है एंडीज पर्वत, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे पर्वत की श्रृंखला, आपको दिखाई पड़ेगा, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। अब पर्वत कितने प्रकार के हैं वो हम देख लेते हैं, पर्वत के प्रकार इसे हम कैसे बांटते हैं, तो निर्माण के आधार पर बांटते हैं कि उनका निर्माण कैसे हुआ था। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला वर्ग आता है उसका नाम है उपवलित पर्वत। इस पर्वत का निर्माण वलन के द्वारा होता है, जैसे मैं बताता हूं, पृथ्वी की सतह के अंदर कई प्लेटें हैं जो मूव करती रहती हैं, संचल करती रहती है, तो इसी क्रम में ये दो प्लेटें हो गई, मान लिया ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट है, जब ये एक दूसरे की ओर बढ़ती है तो जो बीच का भाग है वो ऊपर उठ जाता है, तो इसे बोलते हैं हम वलित पर्वत। तो जो दुनिया के अधिकांश पर्वत हैं उसमें वलित पर्वत की संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे नवीन वलित पर्वत के बारे में बताता हूं, इसका नाम आप लोगों ने पहले ही सुन रखा होगा, हम सभी जानते हैं इसे, हिमालय। ये किस श्रेणी में आता है, ये वलित पर्वत की श्रेणी में आता है। इसी के अंतर्गत मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं,
अरावली पर्वत, हिमालय था ये नवीन था, सबसे नवीन, और अरावली पर्वत है ये प्राचीनतम में आता है, यानी इसकी जो ऊंचाई थी, जो इसका शिखर था, वो अपरदन के द्वारा घिसते घिसते काफी कम हो गया है, और इसे अवशिष्ट पर्वत के रूप में भी हम जानते हैं। मैंने यूराल पर्वत के बारे में बताया था, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। प्लेसेन पर्वत है जो अमेरिका में है, वो भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। अब हम अगला कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है ज्वाला मुखी पर्वत। अब इसमें आपको ज्वालामुखी दिया हुआ होगा, तो आप तो आसानी से समझ पाएंगे कि ये ज्वालामुखी दिया है, यानी कि इस पर्वत का जो निर्माण है उसका संबंध है ज्वालामुखी से। तो इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से होता है, यानी जब कभी, मैं आपको फिगर दिखाता हूं पहले, ये ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई, अब इससे लावा निकलते चला गया और जमकर एक संरचना का निर्माण हुआ जिसे हमने नाम दिया ज्वालामुखी पर्वत का। ठीक है, इसके अंतर्गत हम एग्जांपल देख लेते हैं। माउंट किलिमंजारो, ये है अफ्रीका में, दूसरा फ्यूजियामा, ये है जापान में, ये अफ्रीका। तब इसकी संरचना, इसके निर्माण प्रक्रिया के बारे में आसानी समझ पाए कि इसका निर्माण का संबंध ज्वालामुखी से है और लावा के उद्गार से और जमने से है। लावा निकलता है और जम के उचित संरचना का निर्माण करता है, उसे हम बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। चलिए हम तीसरी संरचना की ओर बढ़ते हैं, इसका नाम है धनसोज पर्वत। इसका कैसे निर्माण होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। जब भूमि का बहुत बड़ा भाग टूटकर ऊपर की ओर विस्थापित हो जाता है, यानी ये एक संरचना में एक तल रहा होगा, ये अब इसका जो ये भाग है वो इससे टूटा और ऊपर की ओर बढ़ता चला गया, तो जो ऊपर जो बढ़ गया भाग, इसे हम कहते हैं होस्ट पर्वत, या फिर कह सकते हैं उत्खंड, उत्खंड या हॉस्ट पर्वत, और जो नीचे धस गया उसे कहा जाता है द्रोणी घाटी या गार्बे। भ्रंस भी आप कह सकते हैं, द्रोणी घाटी या भ्रंस और पेह। अब इसके अंतर्गत आने वाले जो पर्वत है उनका मैं नाम बता देता हूं, यूरोप की राइन घाटी, दूसरा वॉस जेस पर्वत, ये धनसोज पर्वत के उदाहरण है, यानी इनका निर्माण जो स्थल खंड का एक बड़ा भाग था वो आज अगल बगल के तुलना में टूटकर ऊपर की ओर बढ़ गया, तो बीच का नीचे का जो भाग रह गया उसे हम कहते हैं द्रोणी भ्रंश, और जो ऊपर उठ गया उसे हम कहते हैं उत्खंड या होस्ट पर्वत। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब पर्वत के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब पर्वत के लाभ क्या क्या हैं, ये हमारे जीवन में कैसे कैसे उपयोगी हैं। तो पहले मैंने बताया कि हिमालय पर बर्फ की नदियां जमी होती है हिमानी के रूप में, इससे नदियों का उद्गम होता है। इसका साधारण से एग्जांपल ले सकते हैं, आप हम जानते हैं गंगा यमुना, ये सब कहां से निकलती है, हिमानियों से, इन हिमानी से निकलती है, और ये सदाबहार नदी होती है, सदा नीला नदी होती है, यानी ये वर्षों के उपरांत सूखती नहीं है और लगातार बहती रहती है। तो उसका जो स्रोत होता है वो बर्फ का पिघलना और इन हिमानियों का पिघलने से उन्हें जल की प्राप्ति होती है। दूसरा जल का संग्रहागार, जल काफी मात्रा में यहां इकट्ठा होता है,
तीसरा सिंचाई, चूंकि नदियां ऊपर से ऊंचाई से आ रही है ऐसे में पन बिजली के उत्पादन में ये काफी सहायक होता है। हिमालय के बारे में हम जानते हैं कि यह साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों से हमारी रक्षा करता है, एक वो हो सकता है। दूसरा सैलानियों को पर्यटकों को ये काफी लुभाता है, ऐसे में ये पर्यटन का अच्छा साधन है और ये हमारे अर्थव्यवस्था में काफी बड़ा योगदान करता है। लोग पर्वतों के ऊपर चढ़ते हैं, पर्वतारोही, इसे भी उस देश के सरकार को आय प्राप्त होती है। अब यहाँ जो खेल होता है पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, इस प्रकार के खेल इन पर्वतों पर खेले जाते हैं। अब स्केटिंग जानते होंगे, बर्फ पर फिसलने वाला खेल, ये भी खेलने में काफी मददगार होता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला स्थल स्वरूप है, इसका नाम है पठार। तो ऊपर उठी हुई, ये आप देख रहे होंगे ये स्थल सतह है, इससे ऊपर उठ गई है, ऊपर उठी गई उठी हुई सपाट भूमि को हम पठार कहते हैं, सपाट भूमि। अब इसका जो ऊपरी सतह है वो आपको मेज के समान दिखाई पड़ रहा होगा, मेज के समान। हो सकता है कि इसका कोई एक किनारा या इसके अनेक किनारे खड़े ढाल वाले हो सकते हैं, हमें दिखाई दे रहा है खड़ा ढाल है, ठीक, एक या एक से अधिक खड़े ढाल। इसकी ऊंचाई कई सौ से हजारों मीटर हो सकती है। जैसे मैंने बताया था आपको वलित पर्वत में कि नए पर्वत थे तो कुछ पुराने पर्वत थे, इसी प्रकार यहाँ भी आपको कुछ नए पठार दिखाई पड़ेंगे तो कुछ पुराने पठार। नए पठार में आप तिब्बत का पठार ले सकते हैं और पुराने पठार में आप दक्कन का पठार का उदाहरण ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि उपयोगी ये कैसे हैं। पर्वतों का तो हमने देख लिया, पठार कैसे कैसे उपयोगी हैं वो हम देखते हैं। ये पठार खनिजों के समृद्ध भंडार है, यानी यहाँ काफी मात्रा में खनिज प्राप्त होता है। जैसे अफ्रीका का पठार, ये सोना और हीरो की खान के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ से सोना और हीरा प्राप्त किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं छोटा नागपुर का पठार, यह हमारे भारत में कोयला, लोहा को उपलब्ध कराता है। हमारे भारत का जो अधिकांश कोयला है वो इस पठार के से प्राप्त होता है, इस पठार के क्षेत्र से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर नदियां हैं, जब नदियां यहां से निकलती हैं तो काफी ऊंचाई से गिरती हैं, तो ऐसे में अनेक जलप्रपात का निर्माण करती हैं। अब ये जलप्रपात पर्यटन के अच्छे स्रोत, अच्छे केंद्र हो सकते हैं। मैं आपको नाम बताता हूं, जोग जलप्रपात, जैसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, ये कर्नाटक में स्थित है। दूसरा हुंडरू जलप्रपात, यह स्वर्ण रेखा नदी पर है झारखंड में। तो इस प्रकार से ये जलप्रपात पर्यटन को प्रोत्साहित करते हैं, तो दूसरी ओर छोटी छोटी पनबिजली योजनाओं का भी
पनबिजली योजनाओं का भी निर्माण करते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो मैदान का है। मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक नहीं होती है, यानी जो जितने भी मैदान हैं उनका निर्माण उनकी ऊंचाई 200 मीटर से अधिक नहीं होती, ये उनकी अधिकतम सीमा का। अब कुछ मैदान आपको समतल दिखेंगे तो कुछ उर्मिल और तरंगित, यानी कुछ ऐसे मैदान भी होंगे जहां नदियों के स्राव ने, नदियों के बहाव ने उन्हें उबड़ खाबड़ और गड्ढों में परिवर्तित कर दिया है, तो वो उर्मिल और तरंगित बन गई हैं। लेकिन जो अधिकांश मैदान हैं वो आपको समतल दिखाई पड़ेंगे, और यही वजह है कि यहां पर परिवहन काफी आसान होता है। दूसरा, इनका निर्माण कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। तो अधिकांश मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादी पदार्थों से होता है। हम गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान देख सकते हैं, इनका निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादी पदार्थों से हुआ है। अब ये मैदान काफी उपजाऊ होते हैं, तो ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं वो काफी मात्रा में फसलों का उत्पादन करते हैं और अपनी जीवन को समृद्ध तरीके से व्यतीत करते हैं। तो हमने देखा था कि पर्वत में जीवन की जो दशाएं थी वो अनुकूल नहीं थी, तो वहां जो जनसंख्या घनत्व था काफी कम था, लेकिन यहाँ का जो जीवन है वो उसकी तुलना में आसान है। ऐसे में यहाँ का जनसंख्या घनत्व काफी अधिक है। पर्वतों पठार के जो लोग होते हैं उन्हें अपने जीवन यापन के लिए बहुत ही कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जलवायु वहां की काफी प्रतिकूल होती है, ऊंचाई ये इलाका दुर्गम होता है, अनेकों दुर्घटनाओं का अंदेशा होता है। वहीं मैदान में जो लोगों का जीवन है वो काफी आसान होता है अपेक्षाकृत उनकी तुलना में। यहाँ उन्हें उपजाऊ भूमि प्राप्त होता है, ऐसे में फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, परिवहन अच्छा होता है, उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मैदान का जो जीवन है वो इनकी तुलना में काफी आसान है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में और नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।